और इधर बाबा पागल कुत्ती की तरह सरकटा को दौड़ा रहे हैं। और फिर बाबा अपने चाकू से उस सरकटा पर एक के बाद एक वार करते जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुली और सरकटा हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं, तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि सरकटा गुल्ली बुली और चंडू चाचा को मारने जा रहा होता है, तभी सॉन पेड़ काट कर सरकटा के ऊपर ही गिरा देता है, जिससे कि सरकटा वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी सरकटा उठकर खड़ा हो जाता है। ये चारों भागकर नाव से दूसरे आइलैंड पर चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि एक भेड़िया एक आदमी को मारकर खा रहा है। ये लोग भागकर उसी आइलैंड के किनारे चले जाते हैं, तो ये लोग वहां पर देखते हैं कि सरकटा भी नाव से आ रहा है। ये लोग झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं और फिर सरकटा और भेड़िया में बहुत ज्यादा लड़ाई होता है। सरकटा भेड़िया को जान मार देता है और फिर सरकटा आगे जंगल में चला जाता है। ये चारों फैसला करते हैं कि सरकटा को आज हम लोग इस जंगल में मार डालेंगे, नहीं तो ये सरकटा हमारा पीछा जिंदगी भर तक नहीं छोड़ेगा। ये चारों भी सरकटा का पीछा करने लगते हैं। सरकटा एक गुफा के अंदर चला जाता है। गुल्ली बुली और चंडू चाचा भी गुफा के अंदर चले जाते हैं और सॉन डर के मारे गुफा के अंदर जाता ही नहीं है, वो बाहर ही खड़ा रहता है। गुल्ली बुली और चंडू चाचा देखते हैं कि सरकटा तो अंदर है ही नहीं, और इधर सरकटा सॉन पर हमला कर देता है और उसे उठाकर नाव से कहीं जाने लगता है। और फिर गुल्ली बुली और चंडू चाचा भी वहां पर आ जाते हैं। और अब आगे देखिए, गुल्ली बोलता चंडू चाचा, वो देखो सोन को वो सरकटा लेकर जा रहा है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये सरकटा सोन के टुकड़े टुकड़े कर देगा। बुल्ली बोलता, बे बुड्ढे जल्दी ही कुछ कर, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे वजह से यहाँ सोन खतरे में है। चंडू चाचा बोलते है, मेरे रहते हुए सोन को कुछ भी नहीं हो सकता, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर चंडू चाचा अपने त्रिशूल को सरकटा पे फेंक के मारते हैं, लेकिन चंडू चाचा का निशाना चूक जाता है और वो त्रिशूल सीधा गुल्ली बुल्ली के बोट पर ही गिरता है और फिर गुल्ली बुल्ली का बोट वहीं पे टूट जाता है। गुल्ली बोलता, बे बुड्ढे ये तुमने क्या किया, तुमने सोन को बचाने की जगह तो और उसे मुश्किल में डाल दिया, अब हम लोग उसका पीछा भी नहीं कर सकते। चंडू चाचा बोलते, मेरी नजर कमजोर हो चुकी है, इसीलिए मैंने सरकटा को देखा ही नहीं और मैंने अपने ही नाव पर त्रिशूल को मार दिया है। अब ये सब छोड़ो, अब ये सोचो कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। बुल्ली जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोने लगता है और बोलता है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सरकटा सोन को मार डालेगा और हम लोग भी इस आइलैंड पे मारे जाएंगे। गुल्ली बोलता है, बुल्ली अब तुम रोना बंद करो, हमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि भगवान हमारे साथ है, भगवान जरूर हमारे लिए कोई न कोई मसीहा जरूर भेजेगा। चंडू चाचा बोलते है, अरे वो देखो सरकटा तो इधर ही आ रहा है। बुल्ली बोलता है, लगता है कि सरकटा हमें अपने हाथों से मारना चाहता है। सरकटा हड़बड़ी में आता है और वहाँ से जंगलों के अंदर भाग जाता है। गुल्ली बोलता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अरे वो देखो वो कौन आ रहा है। सारे लोग समुद्र की तरफ देखने लगते हैं। अरे ये तो हमारे बाबा हैं और बाबा तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। बाबा को देखने के बाद गुल्ली बुली और चंडू चाचा खुशी के मारे उछलने लगते हैं। बाबा बाबा गरम कर दो तावा। बाबा गुल्ली के पास आते हैं और फिर गुल्ली से बोलते हैं, कहाँ गया वो लौंडा, कहाँ गया वो लौंडा, आज उसको छोड़ने वाले नहीं है, चप्पल से मारेंगे। गुल्ली बोलता है, बाबा ये सरकटा इस जंगल के अंदर ही गया है। और फिर बाबा अपनी बाइक को जंगल के अंदर लेकर चले जाते हैं और इधर सोन को भी होश आ चुका है। सोन बोलता है, गुल्ली बुल्ली आखिरकार ये सब हो क्या रहा है और मैं इस नाव पर क्या कर रहा हूँ। बुल्ली बोलता है, सोन ये सब बताने का भी टाइम नहीं है, सबसे पहले हमें इस जंगल में जाकर बाबा का पीछा करना होगा। और फिर ये चारों लोग जंगल में जाकर बाबा का पीछा करने लगते हैं। और इधर बाबा पागल कुत्ते की तरह सरकटा को दौड़ा रहे हैं। सरकटा आगे जाकर एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाता है
और बाबा भी अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक देते हैं और पीछे से गुल्ली बुली सोन और झंडू चाचा भी आ जाते हैं। बुल्ली बाबा से बोलता है, क्या हुआ बाबा, आप यहाँ पर क्यों रुक गए हैं और सरकटा कहाँ चला गया? बाबा बोलते हैं, ये सरकटा यहीं कहीं पर छिपा हुआ है, आज मैं किसी भी कीमत पर इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। झंडू चाचा बोलते हैं, इस सरकटे ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है, आज इसे हम लोग सबको मिलकर मारेंगे। और इन लोगों की बातें सरकटा झाड़ियों के पीछे से छिपकर सुन रहा होता है और इन लोगों की बातें सुनकर सरकटा काफी ज्यादा डरा हुआ भी है। बुल्ली बोलता है, हम सबको मिलकर सरकटा को खोजना होगा, नहीं तो यहाँ से मौका देखते ही फरार हो जाएगा। बाबा बोलते हैं, आज मैं किसी भी कीमत पर उसे यहाँ से भागने नहीं दूंगा। बुल्ली बोलता है, हम लोग को चारों तरफ फैल जाना चाहिए और सरकटा को खोजना चाहिए। झंडू चाचा बोलते हैं, हाँ बुल्ली, तुम सही बोल रहे हो, सारे लोग एक एक डंडा उठा लो और सरकटा के दिखते ही सारे लोग पागल कुत्ते की तरह उसे मारने लगना। झंडू चाचा कितना बोलते ही सारे लोग एक एक डंडा उठा लेते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। सरकटा सोचता है कि मैं इन सभी से नहीं लड़ सकता, मैं इसमें से एक को मार के यहाँ से भाग जाता हूँ। और फिर सरकटा अपना तलवार निकालता है और जिधर बुल्ली होता है उधर ही चला जाता है। लगता है कि आज सरकटा बुल्ली को ही साफ करने वाला है। और इधर बेचारा बुल्ली भी अकेला है और फिर सरकटा बुल्ली के पीछे ही आकर खड़ा हो जाता है। बुल्ली जैसे ही पीछे दिखता है उसका डर के मारे हालत खराब हो जाता है। बुल्ली बोलता है, मुझे छूने की सोचना भी मत, अगर मुझे कुछ हुआ तो बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरकटा बुल्ली की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन सरकटा ने इतनी जोर से हंसकर बहुत बड़ा गलती कर दिया है क्योंकि बाबा ने सरकटा की हंसने की आवाज सुन लिया है और बाबा सरकटा की तरफ ही जा रहे और धीरे धीरे सरकटा बुल्ली की तरफ ही बढ़ रहा है। सरकटा जैसे ही अपना तलवार उठाता है बुल्ली को मारने के लिए, तभी बाबा सरकटा को पीछे से रामपुरी घुसा के भेलपुरी निकाल देते हैं। और फिर बाबा अपने चाकू से उस सरकटा पर एक के बाद एक वार करते जाते हैं और सरकटा का वहीं पर मौत हो जाता है। झंडू चाचा बाबा से बोलते हैं, सरकटा तो मर गया लेकिन हम लोग वापस घर जाएंगे कैसे? बाबा बोलते हैं, इसकी टेंशन मत लो। और फिर बाबा जोर से बादल को आवाज लगाते हैं, बादल। बाबा की आवाज सुनकर बादल वहां पर आ जाता है और सारे लोग बादल में बैठ के वहां से अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।